टाइमलीज लाइव और सकता भी हम मौजूद है भुसावल शहर के बस स्टॉप के पास में। और रिसेंटली जो है कल के दिन एक खबर सामने आई है कि भुसावल रेलवे स्टेशन के करीब से जो है एक महिला जो है मिसिंग हुई है। इस वक्त हमारे साथ में जो है उनके परिजन मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि क्या घटना थी और कैसे मिसिंग हुई। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, तो क्या घटना? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? बुरहानपुर के रहने वाले हैं, मंडी गेट के पास। ये जो घटना हुई है, आपकी जो वाइफ है मिसिंग हुई है, क्या घटना हुई थी, कहाँ से कहाँ गए थे और कैसे मिसिंग हुई? भाई एक डॉक्टर के पास में बच्चे को बताने गए थे, चाचा, ये हमारे चाचा है और मेरी वाइफ है, मेरा हमजा लड़का है 9 साल का, वो गए थे। और वहाँ पर कौन से गांव गए थे? वो जलगांव। जलगांव कहाँ से? बुरहानपुर से जलगांव गए थे। और वो जलगांव के अंदर कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लड़का मतलब मेरी घरवाली को मिल नहीं रहा था, तो वो मोगालती के अंदर नीचे उतर गई, नीचे उतरी और चाचा भी उतर गए। अब वो देखने देखने के अंदर उतने में ये गाड़ी बढ़ गई, ट्रेन बढ़ गई। तो फिर ट्रेन बढ़ी तो फिर मेरे को फ़ोन आया कि बोले भैया उसमें काशी के अंदर रह गया। बोले फिर मैंने मेरे को नंबर दी कि बोले भैया के ये भैया के नंबर के ऊपर तुम व्हाट्सअप करो हमजा का फ़ोटो। मैंने व्हाट्सअप फ़ोटो करा, फिर उसके बाद में था तो मतलब ये यहाँ पर आ गया था हमजा भुसावल के अंदर GPR पुलिस वालों के पास में। उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने बोले कि हाँ भाई ये बच्चा आ गया तुम्हारा। फिर बोले ठीक है, फिर हमारे चाचा भी आ रहे थे रास्ते में, फिर ये भी आया, फिर ये मिल लिया उन्होंने। बोले हाँ ठीक है, बोले मिल गया। फिर मेरी वाइफ को वहाँ उन्होंने पुलिस वालों ने रोक लिए थे, GPR पुलिस वालों ने, कि भाई ये बाइक को बैठा हो। हमारे चाचा बोले कि भाई बहू को ले जाने दो, तो बोले नहीं, बोले चाचा इनको बैठने दो, तुम जाओ, बोले तुम्हारे लड़के को, तुम बच्चे को वहाँ पे तुम ले लो पहले। फिर उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन लगाया वहाँ, तो मेरी एक बंदे से बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी घरवाली को हम बैठा रहे, बोले ट्रेन के अंदर, बोले बात कर लो। मेरी बात भी हुई उनसे, तो बोले हाँ ठीक है, मैं बोले मेरे को पुलिस वाले बोले बैठा रहे हैं। इतनी बात हुई, फिर उसके बाद में फिर यहाँ आ नहीं पाई। और फिर हमने CCTV कैमरे फुटेज चेक करवाए तो उतरी है, दिख रही है यहाँ पर एक आदमी बैग लेके आगे जा रहा है, उसके साथ में चल रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। भैया जरा आपकी जो वाइफ थी वो जलगांव से भुसावल कौन सी ट्रेन के अंदर आई है? ताप्ती गंगा के अंदर। अच्छा, कितना समय था जब वो यहाँ पर भुसावल? 3:32 पे उतरी यहाँ पर भुसावल। हाँ भुसावल। CCTV आपने चेक किया तो क्या उसके अंदर बताया, कहाँ से किधर साइड में जा रही है वो? पहले उतर के बस रेलवे स्टेशन से उतर के रिक्शा वाले से पूछी गई, रिक्शा वाले ने बताया कि भाई मैंने सिर्फ बुरहानपुर बस का पूछी तो उधर बताया उन्होंने कि बोले इधर जाओ करके, तो उधर गई। फिर वहाँ सामने भी खड़ी रही 10-15 मिनट, फिर वो जो लाइट यहाँ पर गई तो लाइट के भीतर बोल बस, उसमें कहीं मालूम नहीं पड़ रहा कि कहाँ गई, कौन सी बस में बैठी, क्या है। अभी जो है पूरे शहरवासियों से जिला वासियों से आप क्या आह्वान करें कि अगर आपकी वाइफ अगर कहीं दिखती है तो क्या? भाई मेरे से 5,000 रुपये बन जाएगा, मैं जो भी मिल जाएगी मेरी वाइफ तो मैं उसको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। यानी आप जो है इनाम रख रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ को अगर कोई पता देता है तो उसको जो है वो आप 5,000 रुपये देंगे? जी जी हाँ भाई। आपके स्क्रीन के ऊपर हम इंशाल्लाह हमारी जो बीके टाइम न्यूज़ लाई है वो भी जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर आपके तमाम ही जो है नंबर डालेंगे। ये था हमारे साथ में जो मिसिंग हुई है इनकी वाइफ। आपकी वाइफ का जो है नाम वगैरह क्या है? आलिया कुरैशी मोहम्मद रफीक। इनकी वाइफ का जो नाम है आलिया कुरैशी जो है बुरहानपुर के है। इनका कहना है कि इनकी वाइफ जो है भुसावल शहर से जो है लापता हुई है। तो तमाम ही जो मेरे व्यूअर्स है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी हेल्प करें। इनका नंबर जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखाएंगे। आपको जहाँ कहीं भी इनकी वाइफ नज़र आती है तो आप जो है इनसे कॉन्टेक्ट करें या फिर BK Times न्यूज़ लाइव के ऑफिस से संपर्क करें। हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई देगा। कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सिद्धार्थ हुसैन खाटिक BK Times न्यूज़ लाइव के लिए। हाजी समद अली के पुत्र डॉक्टर अजीज अली द्वारा 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा अबदत्त धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवतकर अस्पताल रोड जामनी रोड भुसावल में, जिसमें आपके गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9763302788, 8390075365।